टेंथ क्लास के बच्चों को पाठ एकादश महाभिनिष्क्रमण, घर से बाहर जाना, गृह त्याग। प्राचीन काल में भारतवर्ष में कपिलवस्तु नामक नगर में शुद्धोधन नाम का राजा था। उसका पुत्र सिद्धार्थ था। ये गौतम वंश के नाम से प्रसिद्ध था। सिद्धार्थ शासकीय भोगों की नशत एवं प्राणियों के कठोर कष्टों को देखकर राज्य के भोगों से रिक्त हो गया। यही सिद्धार्थ बाद में गौतम बुद्ध नाम से प्रसिद्ध हुआ। पुराणों में ये विष्णु का अवतार भी माना गया है। ये नाट्य अंश सिद्धांत के संन्यास ग्रहण करने से पूर्व की मानसिक दशा को प्रकट करता है। सिद्धार्थ स्वागतम चित्रहंत किंते विराम मानव शरीर से वर्षित यौवनम कुसुम्भ मनोहर चित्र सर्व सिद्धार्थ की यशोधराय योग मंचे किम जरा तेन मनते अधिम किमते न जयते गोदम चबलम जरा रूपे न श्रंती। मन ही सोचते हुए हाय, मानव शरीर की सिद्धार्थ सोच रहा है कि सिद्धार्थ बता रहा है अपने मन की बात कि मन ही मन सोचते हुए मानव शरीर की बड़ी कितनी विडम्बना दुख है। बसंत के समय यौवन और कुसुम फूल के समय कोमल एवं मनोहर देह की संपत्ति, क्या ये सब स्थायी है? क्या यशोधरा की जवानी सदा रहेगी? क्या बुढ़ापा बीमारी और मृत्यु के मेरे अंत में पुराय के सेवा के पर कभी भी नहीं आएगा? क्या ये नहीं जानते कि जवानी अस्थिर है, बुढ़ापा के रूप में नष्ट कर देता है? यशोधरा कुमार क्या सोच रहे हैं आप? सिद्धार्थ ना कभी भी यशोधरा अगेन में चेतते यदि अत्रोपश्य कुंभा कुछ नहीं यशोधरा, मेरा मन उदीन ऐसा है, इसलिए आओ ये बैठो, ये देखकर आश्चर्य अनुभव कर रहा है यशोधरा कि हम मनुष्य प्रतिदिन खाती हुई मृत्यु के रूपी राक्षसी को जानते हुए भी सोचते नहीं है। आज ना जाने मेरे हृदय में कौन सा रह गया है कि बुढ़ापा बीमारी और मृत्यु को जीत कर ही मनुष्य की जवानी और विलासता सुशोभित होता है। नृत्य संगीत और बाजों में इसे प्रसन्न नहीं होता है और न खेल बगीचा और पेड़ों से रंगशाला के पात्रों में स्नेह के झरनों से संतुष्ट होता है। यशोधरा तू कुमार अब क्या करेगा? सिद्धार्थ यशोधरा ही यही चाहता है कि अब सन्यासी होकर मृत्यु को पराजित करने के लिए तपस्या करूँ। यशोधरा ये आप क्या बोल रहे हैं सन्यास, ये समय नहीं है। कुछ महीने पहले ही सक्ष वंश कुमार राहुल के पिता हुए हैं। आओ आप आज कुमार राहुल अभिनंदित संस्कार, एक संस्कार जिसमें नवजात बालक को चौथे मास में पहली बार खुली हुई हवा में निकाला गया। सिद्धार्थ कुछ नहीं चाहता यशोधरा, आज ही सन्यास की अनुमति लेने के लिए महाराज के महल जाऊंगा, आज ही सन्यास की लेना चाहता हूँ। सिद्धार्थ आर्य अभिवंदन जायते, आर्य प्रणाम करता हूँ। सिद्धार्थ शाक्य वंश के आधार बनोगे? सिद्धार्थ आर्य आज एक आज्ञान लेने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। मैं जानता हूँ कि जन्म से लेकर महाराजा के द्वार मेरे लिए कुछ